नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 7 मार्च 2022 दिन सोमवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि 10:32 रात्रि तक रहेंगे। नक्षत्र भरणी, पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। चंद्र मेष राशि में रहेंगे पूरे दिन। राहु काल 7:35 से लेकर 9:03 तक रहेंगे। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र के नक्षत्र में हैं। शुक्र आपके गोचर में बैठे हुए हैं, दशम स्थान पर, उच्च के मंगल के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कर्म क्षेत्र तो आपका बड़ा ही शानदार रहेगा। कर्म क्षेत्र में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। आज के दिन महिलाओं को भी कर्म क्षेत्र में काफी लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति देव, सूर्य, बुध आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। बुध भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बुध चले गए हैं कुंभ राशि में। बुध मंगल के ही नक्षत्र में है, तो नवम पंचम का अच्छा योग बना हुआ है आपका। व्यापार में काफी लाभ होने की संभावना है, प्रबल है आपके, बुद्धि काफी तीव्र रहेंगे। 10:35 से लेके 11:45 तक का समय, ये समय काफी रोमांटिक रहेंगे आप। मीठा भोजन करना ज्यादा पसंद करेंगे आप। स्त्री पक्ष से लाभ होने की संभावना है। फिल्मों में काम करने वाले को लाभ होने की संभावना है, लेकिन स्त्री से किसी भी तरह का मनमुटाव आपको परेशानी में डाल सकता है, तो किसी भी महिला से कोई मनमुटाव न रखें। 11:45 से लेके 1:07 तक, ये भी समय आपके लिए अच्छा है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट में काम करते हैं काफ़ी अच्छा है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको काफ़ी लाभ इस समय मिल सकते हैं। फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी लाभ मिलेगा। ज्वेलरी के काम करने वाले को काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। होटल इंडस्ट्री में काफ़ी लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री का काफ़ी ग्रोथ होगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बड़ा ही सुंदर है। कन्या संतान से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अनैतिक संबंध से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। महिलाओं से अच्छा व्यवहार करें तो लाभ होगा, बुरा व्यवहार आपको काफ़ी उलझन में डाल देगा। 1:07 से लेके 5:01 तक का समय, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपकी बड़ी बहन से आपको लाभ होगा, मित्रों से आपको लाभ होगा, प्रशासन में जो काम करते हैं लाभ होगा, जो फूड ग्रेन्स का काम करते हैं लाभ होगा। तो नुकसान किसे होगा ये भी तो देखने वाली बात है। बैंक से आप कर्ज लेंगे ये भी नुकसान है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आवेंगे ये भी नुकसान है। फाइनेंस सेक्टर में जो हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, उन्हें काफ़ी तरद्दुत का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुध आपके एकादश में बैठे हुए हैं, लेकिन बुध भी मंगल के नक्षत्र में है। मंगल बुध एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो नुकसान होने की संभावना है, तो थोड़ा सावधान रहेंगे। 5:01 से लेके 8:30 रात्रि तक का समय बहुत ही शानदार समय है। हर तरफ से लाभ होगा। आपके बड़े बुजुर्ग आपको काफ़ी मदद करेंगे, आपके जीवन साथी आपको काफ़ी मदद करेंगे। कुल मिलाकर दिन बहुत बुरा नहीं है, अच्छा दिन है आपका। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि गोचर में भी काल सर्पयोग लगा हुआ है, और काल सर्पयोग गोचर में आपके चंद्र कुंडली और लग्न से द्वितीय और अष्टम भाव में लगा हुआ है। तो ऐसे में सोमवार का दिन है, शिवालय जाएं, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने के बाद दही चढ़ावे अलग से, और दही का लेप शिवलिंग पर करें तथा शिव जी के 108 मंत्रों का जाप करें। शिव जी के मंत्रों के बाद आप इस मंत्र का जाप करें, जिससे काल सर्पयोग से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तत्वकारिणी विषहारिणी विश्वरूपिणी हन इंद्रस वज्रे नमः स्वाहा। ओम तत्वकारिणी विषहारिणी विश्वरूपिणी हन इंद्रस वज्रे नमः स्वाहा। ये काल सर्पयोग का विशेष मंत्र है जो आपको काफी लाभ पहुंचाएगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं 12वें स्थान पर।
शुक्र के नक्षत्र में है तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, विदेश से काफी लाभ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। आपके विदेश यात्रा बहुत ज्यादा प्रबल है, विदेश से आपको काफी अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। संतान की काफी उन्नति हो सकती है, व्यापार में काफी लाभ हो सकता है आपको, फिल्मों से रिलेटेड काम में काफी लाभ होगा, मॉडलिंग करने वाले को काफी लाभ होगा। लेकिन जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं चाहे मॉडलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं से कर्ज लेने की संभावनाएं आपकी ज्यादा प्रबल रहेंगी। महिलाएं आपके दुश्मन हो सकते हैं, महिलाएं आपको काफी हार्म पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 10:35 से लेकर 11:45 का समय विदेश से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। विदेश से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका सेंक्शन हो सकता है, विदेश से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो यह समय आपके लिए बहुत बुरा नहीं है, अच्छा समय है। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय भाग्य काफी प्रबल रहेगा। भाग्य के सहारे दवा उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति दवा का कारोबारी काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फिल्मों से जुड़े हुए व्यक्ति काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हुए व्यक्ति काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काफी एनर्जेटिक रहेंगे आप इस समय। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय, ये भी समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन इस समय जो भी व्यक्ति गलत कार्यों में उलझे हुए हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनको काफी नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ समय है आज के दिन का आपका। इस समय भाग्य काफी प्रबल रहेगा आपका, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आय के साधन बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होंगे आपके। विदेशों से भी काम मिलेगा लेकिन आय बहुत अच्छे नहीं होंगे आपके। गोचर में काल सर्प योग आपके लग्न और सप्तम स्थान से लगे हुए हैं, दांपत्य जीवन से थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, दांपत्य जीवन से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। जो व्यक्ति कोर्ट में तलाक का अर्जी दिए हुए हैं उनकी तलाक भी आज हो सकती है, तो प्लस और माइनस दोनों है समय आपका। आज के दिन आप शिवालय जाएं और दही दूध मक्खन मिश्री अच्छी तरह से दोनों हाथ से शिवलिंग पर चढ़ावे और चढ़ाते हुए शुक्र के मंत्रों का जाप करें, शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, तथा मनसा देवी के मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम अमृत रक्षी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, और शिवालय में ही बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, शुक्र आज के डेट में सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य आपकी कुंडली में भाग भाव में बैठे हुए हैं। विदेशों से लाभ होगा, महिलाओं से लाभ होगा, तो समय आज आपका उतना बुरा नहीं है जितना बुरा कल था। आज के दिन आपके समय में थोड़ा सुधार होगा, थोड़े गुस्से की भावनाएं रहेंगी। कन्या संतान पर आप ज्यादा गुस्सा करेंगे, कन्या संतान से बहुत अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिल सकते हैं। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से आपको नुकसान होगा। पुराने कर्ज वापस हो सकते हैं लेकिन नए कर्ज भी लेने की संभावनाएं आपके प्रबल हैं। जमीन जायदाद का काम न करें, जमीन जायदाद के काम से नुकसान हो जाएगा। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय, ये भी समय अच्छा नहीं है, चोट लगने की संभावनाएं हैं, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, कोई भी महिलाएं आपको तनाव दे सकती हैं। हालांकि जीवन साथी के भाग्य से आपका व्यवसाय की स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी महिलाओं से आपको तनाव मिल सकता है, तो ध्यान रखें। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय अत्यधिक खर्च का समय है, लेकिन अचानक विदेश से लाभ मिलेगा। जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, उनको अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं।
उनको लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय भाग्य प्रबल रहेंगे आपके, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, आपके गुरु से आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन कुछ नहीं करना है आपको, गोचर में भी कालसर्प योग लगा हुआ है, कालसर्प योग आपके 12वें स्थान से लगा हुआ है, जो अच्छा नहीं माना जाएगा, शत्रु उपद्रव भी हो सकता है। शिवालय में जाएं और शिवलिंग पर आज के दिन आप बेलपत्र, धतूरा और आग का आग, आग फूल का जड़ शिवलिंग पर चढ़ावे और शिव जी के 108 नाम का जाप करते हुए मनसा देवी के इस मंत्र का जाप करें। ओम तत्वकारिणी विसहारिणी विश्वरूपिणी हन इंद्रस वर्जे नमः स्वाहा। ओम तत्वकारिणी विसहारिणी विश्वरूपिणी इंद्रस वर्जे नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 10वें स्थान पर, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं शनि और मंगल के साथ। शुक्र आज सूर्य के ही नक्षत्र में है और सूर्य आपके 8वें में बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को नुकसान हो सकता है, अनचाहे जगह उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, उच्च अधिकारियों से उनको काफी तनाव झेलना पड़ सकता है, लेकिन व्यवसाय करने वाले को लाभ होगा, व्यवसाय करने वाले को काफी लाभ होगा। किनको लाभ होगा? जो रियल एस्टेट में काम करते हैं काफी लाभ होगा, जो फिल्मों में काम करते हैं काफी लाभ होगा, जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं काफी लाभ होगा, तो नुकसान किससे होगा? जो फाइनेंस सेक्टर में है काफी नुकसान होगा, जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज के काम में है काफी नुकसान होगा, जो आदमी फूड ग्रेन्स का काम करते हैं काफी नुकसान होगा, तो नुकसान उन्हें होगा, लेकिन रियल एस्टेट के काम करने वाले को काफी लाभ होगा। सबसे ज्यादा लाभ उन्हें होगा जो चमड़ा उद्योग से काम करते हैं, जो जूते चप्पल का काम करते हैं, उन्हें काफी लाभ होने की संभावना है। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय चमड़ा उद्योग वाले को काफी लाभ होगा, जूते चप्पल के काम करने वाले को काफी लाभ होगा, केमिकल के काम करने वाले को काफी लाभ होगा, लेकिन स्कूल में काम करने वाले को नुकसान होगा, टीचिंग जॉब वाले को काफी नुकसान होगा, जो प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं काफी नुकसान होगा। तो हर काम सोच समझ के करना है। 5:01 से लेकर 8:30 रात्रि तक का समय, ये भी समय अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, किस्मत साथ नहीं देंगे आपके, भाग्य प्रबल नहीं रहेगा, पेट में दर्द होने की संभावनाएं हैं, जॉन्डिस लीवर में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं, मान सम्मान में कमी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन खर्च पे इस समय आप कटौती करेंगे। दिन बहुत अच्छा नहीं है, गोचर में काल सर्प योग भी लगा हुआ है, काल सर्प योग आपके कर्क राशि वाले एकादश और 5वें स्थान से लगा हुआ है, तो संतान से भी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं प्रबल है। केतु बैठे हुए हैं 5वें में, जो बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, शेयर सट्टा लॉटरी से काफी नुकसान होने की संभावनाएं अचानक प्रबल है, तो थोड़ा शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहें, शिवालय में जाएं, गाय का कच्चा दूध चढ़ावे, थोड़ा सा केसर डाल दे, ह्रीम शिवाय नमः ह्रीम, ह्रीम शिवाय नमः ह्रीम का जाप करें, धीरे धीरे अभिषेक करें शिवलिंग पर, और वहीं बैठकर आप इस मंत्र का, मनसा देवी की इस मंत्र का जाप करें। ओम अमृत रक्षी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, चंद्रमा है शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र बैठे हुए हैं आपके 6ठे स्थान पर, खर्च की काफी अधिकता रहेगी, सुख मौज के काफी सामान आप परचेज करेंगे, नई वाहन खरीदने का प्रोग्राम्स बनाएंगे और परचेज भी करेंगे। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन शत्रु पर अंतोगत्वा आपकी विजय होगी, कर्म का क्षेत्र बढ़ा हुआ रहेगा। राहु बैठे हुए हैं 10वें स्थान पर और राहु आपके गोचर में आज के दिन सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य बैठे हुए हैं आपके 7वें स्थान पर, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पार्टनर से नुकसान होगा, जीवन साथी से 50 तरह के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जीवन साथी के पैसे कौड़ी से आप आज आपको फायदा होगा।
पार्टनरशिप के व्यवसाय में फायदा होगा। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय खर्च का समय है। मार्केटिंग में एक सामान खरीदने जाएंगे या 10 सामान खरीद के ले आवेंगे। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय जमीन जायदाद से फायदा होगा, माता से लाभ होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय जो सरकारी नौकरी करते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनका प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, उनके कार्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की होने की संभावनाएं हैं, उनका मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो सरकारी तंत्र वाले को, जो सरकारी तंत्र से काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय, ये भी समय अच्छा है आपका। कुल मिलाकर दिन अच्छा है आपका, दिन बुरा नहीं है। बहुत सारे युवा युवती आज के दिन खुद से शादी करेंगे जो सिंह राशि को, सिंह लग्न को बिलोंग करते हैं। गुस्सा कम करें जीवन साथी से, तनाव को कम करें जीवन साथी के साथ, समझौता करके चलें, एक दूसरे की मदद करें, लाभ होगा। आज के दिन आप सूरज को जल चढ़ाने के बाद ईख का रस शिवालय में चढ़ावें तथा चांदी के 3 जोड़ा नाग नागिन आप चढ़ावें। काल सर्प योग आपके दशम और चतुर्थ भाव में लगा हुआ है, तो 3 जोड़ा चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम तत्वकारिणी विसहारिणी विश्वरूपिणी हनिन्द्र स्मृजे नमः स्वाहा, ओम तत्वकारिणी विसहारिणी विश्वरूपिणी हनिन्द्र स्मृजे नमः स्वाहा का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, संतान से भी परेशानी हो सकती है, विशेष करके कन्या संतान से आपको परेशानी हो सकती है। शुक्र लेकिन आय भाव को देख रहे हैं तो आय की स्थिति रहेगी, यात्रा करना आज के दिन कहीं से भी उचित नहीं है। राहु बैठे हुए हैं नवम भाव में, धर्म के प्रति आस्था आपकी घट जाएगी। सूर्य, बृहस्पति, बुध बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर, सरकारी नौकरी करने वाले को काफी लाभ मिलेगा। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय संतान पक्ष के लिए अच्छा समय नहीं है, विशेष करके कन्या संतान के लिए अच्छा समय नहीं है, तो संतान पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है। जो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, विशेष करके महिलाएं हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति सेना में हैं, काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति बिल्डिंग का काम करते हैं, जो खरीद बिक्री करते हैं भवन का, भवन निर्माण करते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय भाग वृद्धि का समय है। शेयर सट्टा लॉटरी से काफी फायदे होने का समय है, टाइम नोट करें। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय शेयर सट्टा लॉटरी से अचानक आपकी आय होगी और अचानक वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है, डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। काल सर्प योग लगा हुआ आपके भाग्य भाव से ही गोचर में, ऐसे में आप शिवालय जाएं, गाय का कच्चा दूध चढ़ावें, चावल चढ़ावें तथा वहीं बैठकर शिव जी के 108 नाम का जाप करें, शिव जी के 108 नाम का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो भौतिक सुख में काफी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, नई गाड़ी खरीदने की संभावनाएं हैं, नए जमीन खरीदने की संभावनाएं हैं, कर्म के क्षेत्र में काफी उन्नति करने की संभावनाएं हैं, दिन अच्छा है आपका। पंचम स्थान में सूर्य, बृहस्पति देव और बुध देव बैठे हुए हैं जो आपके आय स्थान को देख रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को काफी लाभ होगा,
जो व्यक्ति फाइनेंस में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो व्यक्ति प्रेस में काम करते हैं, सोशल मीडिया से काम करते हैं, काफ़ी लाभ होगा। तो किसे लाभ नहीं होगा? जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए हैं, अगर आज उनकी रिजल्ट्स निकलते हैं तो थोड़ा उन्हें नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। कंपटीशन में जो बैठे हुए हैं, आज के रिजल्ट्स में उन्हें थोड़ी नुकसान होने की संभावनाएं तुला राशि वाले प्रबल है। जीवन साथी से काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही अच्छा समय है। समय का फायदा उठावे, हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सोमवार का दिन है, शिवालय में दूध जरूर चढ़ावे, गाय का कच्चा दूध। अष्टम भाव से काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है गोचर में आपके राशि पे। शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ावे, मिश्री चढ़ावे और वहीं बैठकर मनसा देवी के मंत्रों का जाप करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिव जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें तथा मनसा देवी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। काफी यात्रा का योग है, यात्रा से आपका लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, जमीन जायदाद के काम से काफी लाभ होगा, भाई से काफी लाभ होगा, बहन से काफी लाभ होगा, दोस्तों से थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्त आपसे कर्ज ले सकते हैं, तो कर्ज देना भी तो नुकसान है, कर्ज देंगे तो वापस थोड़ी होगा, दे कर्ज, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, जो व्यक्ति ग्रोसरी का काम करते हैं, जो व्यक्ति प्रशासन में हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आज के दिन वृश्चिक राशि वाले विशेष करके जो हृदय रोगी हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी हुई रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा और लाभ होगा आपको। चंद्रमा आपके नवम स्थान के स्वामी हैं और नवम स्थान से चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है नौकरी करने वाले आपका, थोड़ा दूर ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के समय आपका अच्छा है। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय फायदे का समय है, हर तरफ से फायदा होगा, दिन आपका काफी अच्छा है। आज के दिन आप जल में थोड़ा गूंद डालें और सूरज को चढ़ावें, ओम गिरणीय सूर्याय नमः, ओम गिरणीय सूर्याय नमः, तथा आज के दिन आप तांबे का 3 जोड़ा नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ावें, सप्तम स्थान और प्रथम स्थान से काल सर्प योग लगा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, व्यवसाय में परेशानी हो सकती है, तो तांबे का 3 जोड़ा नाग नागिन ले, शिवालय में जाएं और शिवलिंग पर चढ़ावें और वहीं चढ़ाकर तत्वकारिणी विसारिणी विश्वरूपिणी हनिंदस ब्रजे नमः स्वाहा, ओम तत्वकारिणी विसारिणी विश्वरूपिणी हनिंदस ब्रजे नमः स्वाहा, तथा शिव जी के मंत्रों का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव आपके पंचम में स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा समय है। फिल्मों में काम करने वाले संगीतकार, गीतकार, सिंगर, गायक, गायिका, दिन तो आपका है आज, थोड़ा लेट से ही काम मिलेगा लेकिन मिलेगा, और काफ़ी सराहना होगी आपके कामों की, आपकी वाणी में काफ़ी मिठास होगा, लेकिन ऐसे आप वाणी बोलेंगे तो काफ़ी वाणी आपके कड़े होंगे, कड़ा वाणी बोलेंगे और वाणी में कुछ भी आप बोल देंगे, तो थोड़ा वाणी पर आप संयम रखें। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय शानदार समय है, जमीन जायदाद से काफी लाभ होगा, वाहन से काफी लाभ होगा,
रियल एस्टेट में काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, लकड़ी उद्योग में काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाले को काफ़ी लाभ होने जा रहा है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं काफ़ी लाभ होगा, प्राक्रम आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। 11:45 से लेकर 1:07 तक किसी भी महिलाओं से झंझट न करें, ये निगेटिव आस्पेक्ट है इस समय। 11:45 से लेकर 1:07 तक महिलाओं से झंझट आपको भारी पड़ जाएगा, केस मुकदमा की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। 1:07 से लेकर 5:01 तक अपने रोमांटिक मूड पर थोड़ा लगाम रखें, महिलाओं से दुश्मनी न करें। सरकारी नौकरी करने वाले को काफी लाभ है, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले को काफी लाभ है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर पर फोड़ा फुंसी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, स्किन डिजीज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो थोड़ा ध्यान रखें। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय बहुत ही अच्छा समय है, पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, खर्च की स्थिति काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन लाभ होगा, काफ़ी लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। स्कूल का जो व्यवसाय करते हैं काफ़ी लाभ होगा, पूजा पाठ जो करते हैं काफ़ी लाभ होगा, हॉस्पिटल जो चलाते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो डॉक्टर हैं उनका पराक्रम चरम सीमा पर रहेगा। विदेश से आपको नुकसान होने की संभावनाएं आज के दिन प्रबल है, पूरा केंद्र आपका खाली है सर जी, और काल सर्पयोग का निर्माण गोचर में आपके छठे स्थान से हो रहा है, शत्रु आपको प्रास्त करेंगे, शत्रु आपके गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा रहेंगे, ऐसे में गुप्त शत्रु का निवारण करें आप, गुप्त शत्रु से परेशानी होगी। आज के दिन भैरव के 108 मंत्रों का जरूर जाप करें तथा श्री सुक्तम का पाठ करें आप। विष्णु जी तो आपके शरीर के ही स्वामी हैं, आपके रक्षक हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप आप करते रहें, जब भी समय मिले तब कर ले, लाभ होगा। आज का दिन थोड़ा सा स्ट्रगल भरा है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन हर खुशी और गम अपने हाथ में है, आपका धैर्य आपको ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकता है, आपकी उग्रता आपको ज़्यादा दुख दे सकता है। दिन आपका बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी विष्णु जी के जाप से आपका दिन शुभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राशि पर बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, माता से आपको लाभ मिलेगी, लेकिन महिलाओं से आपको तनाव मिलेगा, कन्या संतान से आपको तनाव मिलेगा, संतान से आपको तनाव मिलेगा। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में है, तो संतान से आपको तनाव मिलने की संभावनाएं हैं, किसी भी महिला से झंझट करना भी उचित नहीं होगा आपके लिए। शुक्र जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में है, वाणी में काफी आदेश देते रहेंगे आप, ऑर्डर वाली वाणी होगी आपकी, गुस्सा अत्यधिक रहेंगे आपको, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सारे चीज पर ध्यान रखेंगे। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय, ये समय माता से लाभ का समय है, वाहन से लाभ का समय है, यात्रा का समय है, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा बैठे हुए हैं, यात्रा न करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय, संतान से परेशानी हो सकती है, किसी भी महिला से झंझट हो सकती है, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्रोध की भावना ज्यादा रह सकती है, लकड़ी उद्योग में काम करने वाले को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, विशेष करके 11:45 से लेकर 1:07 तक। जो हॉस्पिटल का काम करते हैं उन्हें लाभ होगा, रियल एस्टेट में जो काम करते हैं उन्हें लाभ होगा, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं उन्हें लाभ होगा, जो होटल का काम करते हैं उन्हें लाभ होगा, जो सीए हैं
फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, उन्हें लाभ होगा। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय संतान से कहीं भी अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जिनके संतान यूक्रेन में फंस गए हैं, विदेश में फंसे हुए हैं, उन्हें अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय लाभ का समय है। पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ होंगे, जमा पूंजी में धन संचय करेंगे, प्रशासन से लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी में वही आदेश, सबों को आदेश देते रहेंगे। तो आदेश देने की अपनी आदत से आप बाज आएं। कोई भी व्यक्ति आजकल आदेश नहीं सुनना चाहता है, लेकिन गोचर में ऐसा है कि आप आदेश देंगे। काल सर्पयोग लगा हुआ है आपके पंचम और 11th स्थान से, संतान भाव से काल सर्पयोग लगा हुआ है। आज के दिन आप शिवालय जाएं, चांदी के 3 जोड़ा नाग नागिन लें, शिवलिंग पर चढ़ावें, साथ में दूध चढ़ावें, दही चढ़ावें, मध चढ़ावें, मिश्री चढ़ावें, उजला तिल चढ़ावें, और वहीं बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करने के बाद मनसा देवी के मंत्रों का जाप करें। ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः। जिनके भी पुत्र पुत्री यूक्रेन में फंसे हुए हैं, शिवालय में यही क्रिया करें और मंत्र जाप करें। ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो ममम पुत्रम रक्ष रक्ष, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः ममम पुत्रम रक्ष रक्ष। जिनकी कन्या संतान है, पुत्र के जगह संतान का नाम ले। ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः ममम संतानम रक्ष रक्ष। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके 12वें में, विदेश से काफी लाभ होगा। जिनके बच्चे विदेश में फंस गए हैं, खास करके कन्या संतान, उनको बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, और चल के उनके कन्या संतान अपने माँ बाप के शरण में आ जाएंगे। खुशी का आपका ठिकाना नहीं रहेगा। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय, ये समय आपके संतान के रिटर्न होने का समय है, विदेश से अच्छे समाचार सुनने का समय है, काफी खर्च का भी समय होगा, तो समय अच्छा है। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय, किसी भी तरह से रियल एस्टेट के काम से दूर रहें, जमीन के खरीद बिक्री से दूर रहें। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय माता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है आपको, और ऑर्डर देने की भावनाएं तो आप में भी बहुत प्रबल होंगी। सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके लग्न पे, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा, स्वाभिमान अभिमान में भी बदल सकता है, लेकिन बृहस्पति देव तो वहीं बैठे हुए हैं। संतान की रक्षा करेंगे पंचम दृष्टि से, व्यापार की रक्षा करेंगे सप्तम दृष्टि से, धर्म की रक्षा करेंगे, भाग को प्रबल करेंगे नवम दृष्टि से। बृहस्पति बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, और बृहस्पति आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति आपके कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं, विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे। अगर कुंभ राशि वाले जिनके बच्चे विदेश में फंसे हुए हैं, उनको बहुत अच्छा समाचार आज के दिन सुनने को मिल सकता है। दिन अच्छा है, शनि की सरसाती चल रही है, काल सर्पयोग आपका 4th स्थान और 10th स्थान से लगा हुआ है गोचर में, ऐसे में आप गाय का कच्चा दूध चढ़ावे शिवलिंग पर, और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में है, चंद्रमा धन भाव में है, शुक्र आय भाव में है, क्या शानदार समय है, बहुत ही सुंदर समय है। जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, गायक हैं गायिका हैं, समय उनका है,
जो व्यक्ति होटल का व्यापार करते हैं समय उनका है, जो व्यक्ति रेडीमेड गारमेंट का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, भौतिक सुख साधन का प्रयोग करते हैं, व्यापार करते हैं, बड़ा ही अच्छा समय है, बहुत ही सुंदर समय है। 10:35 से लेकर 11:45 तक का समय, ये समय शानदार समय है, हर तरफ से लाभ होने का समय है, हर तरफ से लाभ होगा, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा, व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, महिलाओं से काफ़ी लाभ होगा, मित्रों से काफ़ी लाभ होगा। 11:45 से लेकर 1:07 तक का समय आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सरकारी नौकरी करने वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग मन चाहे जगह होगा, हर तरफ से समय अच्छा है, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा, वाहन से काफ़ी लाभ होगा, इंजीनियरिंग सेक्टर में जो काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो पूजा का व्यवसाय करते हैं पूजा के सामान वगैरह बेचते हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा, हर तरफ से लाभ होने की संभावना है, काफ़ी प्रबल हैं। 1:07 से लेकर 5:01 तक का समय, ये समय यात्रा का है, यात्रा से आपको काफ़ी लाभ होंगे, विदेश से काफ़ी अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, तो ये भी समय काफ़ी अच्छा है आपका। 5:01 से लेकर 8:30 तक का समय कहीं से अच्छा नहीं है। खान पान पर संयम रखें, पेट में दर्द रह सकता है, स्वास्थ्य काफ़ी गिर सकता है, सूर्य भी बैठे हुए हैं बारहवें में बृहस्पति के साथ, क्रोध की भावनाएं काफ़ी रह सकती है, आपके ईगो पर चोट पड़ सकता है, जिसके कारण आप काफ़ी क्रोधित हो सकते हैं। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें नुकसान की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, आपके पिता का भी स्वास्थ्य खराब रहने की संभावनाएं अत्यधिक हैं, पिता से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पिता से भी काफ़ी मतभेद हो सकते हैं आपको, तो मीन राशि वाले स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बाकी समय आपका बहुत अच्छा है, पिता का आशीर्वाद लें, काफ़ी लाभ होगा आपको। आज के दिन आप मीन राशि वाले, आज के दिन आप किसी भी केला के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और उस जल को केला के वृक्ष में डालें, उसके जड़ पे डालें और विष्णु सहस्रनाम का जाप करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, वहीं बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें या शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, श्री सूक्तम का पाठ करना श्रेष्ठ होगा, विष्णु सहस्रनाम का जाप करना श्रेष्ठ होगा, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़ा ये सब उपाय करना जरूरी है आपको। आज के दिन आप सोमवार का दिन है, काला वस्त्र का प्रयोग न करें, नीला वस्त्र का प्रयोग न करें, अत्यधिक लाल वस्त्र का प्रयोग न करें, सफेद वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं जो लाभप्रद होगा, पीला वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं जो लाभप्रद होगा, तो दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही, आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नमस्कार।